हम इंशाल्लाह ताला सोलर एनर्जी पार्क बनाएंगे और दो और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सोलर एनर्जी पार्क्स बन रहे हैं, जिससे इंशाल्लाह ताला सिंध हुकूमत सोलर के थ्रू कम कीमत पे बिजली पैदा करेंगे। और हमारा ख्वाहिश ये है कि जब तक आप वफाक से बिजली लेते हैं तो वो बहुत महंगा बिजली होता है, हमारा ख्वाहिश ये है कि हम वो बिजली डायरेक्टली सिंध हुकूमत की तरफ से अपने अवाम को पहुंचाएं और कम कीमत पे वो बेचा जाए। चेयरमैन सिंध जे वडे वज़ीर के पंजाब में सस्ती बिजली देने वाले प्रोग्राम जो जायजो वठण जो टास्क दे छियो, चवे तो वडो वज़ीर वफाक के नुमाइंदे सा मुलाकात करे असां भी पंजाब जिया सूबे जे अवाम के सस्ती बिजली दे सघूं था तो सोलर सिस्टम खड में वनी पवे। अवाम के FBR समेत वफाकी इदारा पंहिंजो कम नथा कनि, पोए बिजली जे बिलन मां टैक्स जमा थिए थो। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो कराची में मुफ्त सोलर विरहाइण वारी तकरीब के खिताब चयाई, अवाम के 2 महीना रिलीफ ॾियण जे चक्कर में 12 महीना तकलीफ़ मिले थी त सोलर निज़ाम बहितर आहे, असां बिजली जे मसइले जो मुस्तक़िल हल चाहियूं था। कराची जे अवाम के इलेक्ट्रिक खां घणियूं शिकायतूं आहिनि, महांगाई ऐं बिजली बिलनि खां मुतासिर माण्हुनि खे रिलीफ ॾियणु चाहियूं था। महांगाई ऐं वफ़ाकी पॉलिसियुनि जे करे असर बिजली बिलनि ते पवंदो आहे, ॿिए मरहले में मिडिल क्लास ऐं मुलाज़मत कंदड़ माण्हुनि खे बि सब्सिडी ॾिनी वेंदी। बिलावल भुट्टो के नजरिए तहत अवाम के सहूलतूँ फराम कर रहा हूँ, अज अस 2 लख खानदान के सोलर सिस्टम दई रहा हूँ, बिहार मानू सिर्फ सोचे रहा है अस वो कम कर रहा हूँ। सिंध हुकूमत की पॉलिसी तैयार है, वफाक सिर्फ असो मंशूर पड़े। वरी वजीर सैद मुराद अली शाह जो कराची में मुफ्त सोलर पैनल विरहण वाली तकरीब के खिताब। वरी वजीर मुराद अली शाह है थर के कोयले में 5 रुपया या 5.5 रुपया फी यूनिट बिजली ठहंदी, बिजली ऐं शमसी तवनाई जो इस्तेमाल भी असांजे मंशूर में शामिल है। सदर आसिफ अली जरदारी सा गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की मुलाकात। सदर गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के हिलाल इम्तियाज एजाज़ से नवाजो। आसिफ अली जरदारी पारा अरशद नदीम लाए पांजे तरफा 10 करोड़ रुपयन के नाम जो ऐलान। आसिफ अली जरदारी चयो त पाकिस्तान के बेन रांदन के हथी वठण की जरूरत है, रांदीगरन के बारन के भी स्कॉलरशिप दिनी वे। सिंध हुकूमत के चवंदस त एंडोमेंट फंड में 250 मिलियन रुपया दे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो उमान जो दौरो। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की उमानी नायब वजीर आजम से मुलाकात। ISPR मूजिब साहिर शमशाद मिर्ज़ा की उमानी परडेही मामलन शाही ऑफिसन के वजीर से भी मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की उमानी चीफ ऑफ स्टाफ सुल्तान आर्मर फोर्सेज से भी मुलाकात। तरबियत सिक्योरिटी ए दहशतगर्दी के हवाले से गाल बोल। साहिर शमशाद मिर्ज़ा की उमानी क्यादत से बचाव वाली सनत समेत सोजी सहलकार बाबत के ख्याल जी दे। दहशतगर्दन से रियात जो सवाल ही पैदा नथो थिए, मुल्क में हर सूरत में दहशतगर्दी जो खात्मो आणींदासीं, पाकिस्तान दुश्मनन से गालू न थींदियूं। बलोचिस्तान में अमन के कयाम लाइ गडजी कोशिशूं कयूं वेंदियूं, दहशतगर्दन जो खात्मो मुल्क की खुशहाली ऐं तरक्की अंतर आहे। वज़ीर आज़म जो क्वेटा में एपेक्स कमेटी के इजलास के खिताब चयाई, बदकिस्मती से इहो तासुर ॾिनो वञे थो त ऑफिसर बलोचिस्तान अचण खां नटाइन था। सिविल ऑफिसरन जी बलोचिस्तान में मुकररी बाबत पॉलिसी जोड़ी आहे, पॉलिसी ते वफाक ऐं सूबाई हुकूमतुनि खे अमल करणो पवंदो, दुश्मन नथा चाहिनि त बलोचिस्तान में तरक्की थिए।
सदर मुमलकत इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दई छी। बिल जो मकसद इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में तरमीम करण है। सदर आसिफ अली जरदारी आईन के आर्टिकल 75 तहत बिल की मंजूरी दिनी। सिंध के अक्सर इलाकन में चई दिन का वक्फे वक्फे से बरसात जो सिलसिलो जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकन में बरसात जो वसकारो। हैदराबाद ठट्टो टंडे मोहम्मद खान सांघण बन इलाकन में बरसात सबब जिंदगी जो कारून व्यवहार मुतासर। केतरा गोठ पानी हेठ हजारे एकड़ से बीठल फसल भी बुड़ी वाया। बदीन के तालके तलहार में मुसलसल 36 कलाकन का वक्फे वक्फे से तेज बरसात। तलहार के वार्ड नंबर 5 और 6 में बरसाती पानी घर में दाखिल थी वयो। सिजावल में गुजरल डी का वक्फे वक्फे से बरसात जारी। हेठें वारा इलाका पानी हेठ अची वया। नौशेरो फिरोज शहर भर पासे वाले इलाकन में वक्फे वक्फे से तेज बरसात जो सिलसिलो जारी। नौशेरो फिरोज में बरसात सबब हेठाई वारा इलाका पानी हेठ बिजली मुअत्तल। सिंध में सामूजी तूफान के खदशे सबब पीजीएमए के अलर्ट रहने की हिदायत। वरे वजीर मुराद अली शाह अगवाट इतला तो सूबे के अक्सर जिलन में तूफानी बरसातों शुरू थन्दू। हंगामी सूरत हाल के मुंह जन जरूरी तैयारियों मुकम्मल क्यों बनन। वरे वजीर पारा समूरन खातन खास तौर से इंतजामिया मकानी इदारन के सरगरम रहने की हिदायत। सूबे के समूरन अस्पताल के इंतजाम बेहतर करण की भी हिदायत। वरे वजीर समुंड की सूरत हाल गैर मामूली होने सबब फिशर्स खातों मुहानन लाए हिदायत जारी करे। दरियान शाखों ने बेन हंधन की निगरानी जारी रखी वने। सिंध असेंबली के मेंबरन के वडो रिलीफ मिली वयो। स्पीकर की मंजूरी का पोए एहतसाब सहूलत सेंटर कायम। सेंटर कायम थियण खां पोए नैब असेंबली मेंबरन खिलाफ़ सीधी रीत इंक्वायरी शुरू न करे सघंदो। दरख्वास्त मिलण की सूरत में नैब ऐं सिंध असेंबली जा नुमाइंदा दरख्वास्त की जांच पड़ताल कंदा। एहतसाब सहूलत सेंटर में जांच पड़ताल मुकमल थियण बाद कार्रवाई जो फैसलो थींदो। स्पीकर अवेस कादिर शाह जो चवण है डायरेक्टर जनरल सिंध असेंबली इरफान मेमण के फोकल पर्सन मुकरर कयो वियो आहे। सिंध असेंबली जो फोकल पर्सन नैब सां राब्ते जो किरदार अदा कंदो। पाबंदी मिल टीटीपी से जो को भी इम्कान ना है। पाकिस्तान बार बार अफगान सरजमीन दहशतगर्दी इस्तेमाल थो मामलो उथारो। तालिबान पाकिस्तान की रतोशान में मुलविस ग्रुप खिलाफ कार्रवाई कन। परदेही तर्जमान मुमताज़िरा बलोची इस्लामाबाद में हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग। परदेही तर्जमान मुमताज़िरा गजा में इसराइली जुल्म की मजम्मत कदे है फलस्तीन में बिना देर जंग बंदी थे घुर्जे। ज़रई तरक्की लाइ कदम खणंदासीं। नंढनि आबादगारनि खे सोलर ट्यूबवेल्स लाइ कर्ज़ ॾींदासीं। ज़रात बाबति इजलास खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त ट्यूबवेल्स लाइ केतिरो कर्ज़ ॾिनो वञे इन हवाले सां तवानाई वारो वज़ीर सिफ़ारिशूं पेश करे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी हिदायत ते सिंध जे ज़रात खे हथी वठण लाइ सिंध हुकूमत कदम खणी रही आहे। याम शुरू में लम्स कॉलोनी के वाटर सप्लाई तलाव में बार रांद खेलंदे बुरी फोत। फोतन में 15 वरियन जो गुलाम नबी 17 वरियन जो शफकत थईम शामिल अस्पताल मुंतकिल। रोहड़ी जो जागीरानी बिरादरी के बिन धुरन में चोरी के मामले तां छेड़ो। टे जना कतल एक बे मथा सिधी फायरिंग। अली रजा पुट अजीज आशिक अली पुट मोली दिनों। जमशेर पुट खादम जागीरानी मारी। 5 जना जख्मी।